हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नागपुर यूनिवर्सिटी में आपको इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, प्लस इनकी मार्किंग स्कीम क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के थ्रू आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको सेमेस्टर वन के सारे जो सब्जेक्ट्स है वो बता दूंगा और फिर गाइस हम देखेंगे कि सेमेस्टर टू में हमें कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस सेमेस्टर वन का। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है गाइस वो आपको रहेगा मैथमेटिक्स वन। इसकी पढ़ाई करने के लिए गाइस बस आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि रेगुलरिटी मेंटेन करना, इजीली जो सब्जेक्ट है गाइस वो निकल जाएगा और बैक लगने के भी जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर इस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम के बारे में बात की जाए गाइस, तो 30 मार्क्स का इंटरनल होता है और 70 मार्क्स का गाइस आपका जो पेपर है वो होगा। ओवरऑल गाइस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो है 100 मार्क्स का। इंटरनल मार्क्स के लिए गाइस काफ़ी सारी चीज़ें होती है जैसे असाइनमेंट, टर्म वर्क और भी काफ़ी सारी चीज़ है, उसके बेसिस पे आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे और 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतने ज़्यादा आपको जो मार्क्स है वो मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गाइस यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में भी गाइस हमें सेम जो मार्किंग स्कीम है वो देखने को मिल रहा है, 30 इंटरनल, 70 यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो होगा और टोटल मार्क्स आप देख सकते हो 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गाइस यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटरनल है 30 और पेपर होगा 70 मार्क्स का। ओवरऑल गाइस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा गाइस ये है कम्युनिकेशन स्किल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका आप देख सकते हो इंटरनल 15 मार्क्स का है और इसका जो पेपर है वो आप देख सकते हो 35 मार्क्स का है। ओवरऑल गाइस जो सब्जेक्ट है इसका जो वेटेज है वो रहेगा 50 मार्क्स का। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अगर हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेगा, ये भी थोड़ा लिटिल बिट हार्ड रहता है, डायग्राम्स वगैरह रहते हैं, तो अगर आपको सही से ड्रॉ करना वगैरह आया और आपने ध्यान दिया तो काफ़ी ईजी लगेगा आपको। इंटरनल मार्क्स 15 रहते हैं और यूनिवर्सिटी के जो पेपर है वो 35 मार्क्स का रहेगा, तो ओवरऑल इसका जो वेटेज है वो 50 मार्क्स का है, ठीक है। फिर इसके अलावा गाइस एक ऑडिट भी आपको रहेगा, तो ये बेसिक ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो एक ऑडिट सब्जेक्ट रहेगा। इसके जो मार्क्स है गाइस वो टोटल मार्क्स में गिने नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें लैब्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स लैब, तो मेनली इसमें जो प्रैक्टिकल वर्क है गाइस वो आपका होगा, तो इसमें आप देख सकते हो प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इंटरनल आपका 25 रहेगा और प्रैक्टिकल वो जो टेस्ट रहेगी उसके 25 मार्क्स रहेंगे, तो ओवरऑल अप्लाइड फिजिक्स लैब का जो वेटेज है वो रहेगा 50 मार्क्स का। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लैब, तो जो भी आपको सब्जेक्ट रहेंगे गाइस उसके कुछ सब्जेक्ट्स के आपको जो लैब है वो भी रहेंगे, तो आप देख सकते हो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लैब 25 इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क्स और 25 जब आपके टेस्ट होगी उसके प्रैक्टिकल मार्क्स, तो ओवरऑल जो वेटेज है वो है 50 मार्क्स का। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स लैब, तो इसके कुछ आपको प्रैक्टिकल्स या फिर कुछ आपको सेशंस वगैरह देना पड़ेगा, इसके बेसिस पे आपको जो मार्क्स है वो मिलेंगे, तो आप देख सकते हो इंटरनल 25 है और यूनिवर्सिटी 25 है, ओवरऑल जो वेटेज है गाइस वो है 50 मार्क्स का। और नेक्स्ट है फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब्स, तो इसमें मेनली जो शीट्स वगैरह वो बनाना होगा या फिर कुछ अलग भी हो सकता है। इंटरनल है 25 और यूनिवर्सिटी 25, तो ओवरऑल इसका जो वेटेज है गाइस वो है 50 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसा रहने वाला है गाइस आपका फर्स्ट ईयर का पूरा स्ट्रक्चर, इतने सब्जेक्ट प्लस इतने आपको जो लैब है वो रहने वाले हैं, ठीक है। और 3 वीक्स का आप यहाँ पे इंडक्शन जो प्रोग्राम है वो भी देख सकते हो, इसमें आपको सारी जो चीज़ है वो समझाई जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो गाइस 600 मार्क्स का आपका पूरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो रहने वाला है, ओके। प्लस कितने यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह हो गए वो यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो दी है, तो अगर आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करेंगे गाइस हम सेमेस्टर टू की, तो सेमेस्टर टू में आपको और भी थोड़े जो अलग सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सेमेस्टर टू में जो सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा गाइस ये रहेगा M2, जिसे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डरते हैं, बट जैसे मैंने आपको बोला कि रेगुलरिटी मेंटेन करना, ईजिली जो सब्जेक्ट है वो निकल जाएगा और कोई टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम मार्किंग स्कीम है, 30 का इंटरनल है और 70 का आपका पेपर होगा। टोटल मार्क्स आप देख सकते हो 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का वेटेज है इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट फिर आएगा इस यहाँ पे एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये भी एक सब्जेक्ट है। इंटरनल 30 मार्क्स मिलेंगे और यूनिवर्सिटी का पेपर 70 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट का वेटेज है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, तो फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री रहेगा और दोनों सेमेस्टर में मैथमेटिक्स रहेंगे M1 M2, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम हमें 30-70 का ही जो पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है और टोटल जो पेपर का मतलब सब्जेक्ट का वेटेज है वो रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट फिर रहेगा इस यहाँ पे कंप्यूटेशनल स्किल्स। अब
इसमें कौन सी लैंग्वेज रहेगी स्पेसिफिक वो मैं आपको देख के बताऊंगा जैसे ही सिलेबस आता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी लैंग्वेज आपको रहने वाली है सेकेंड सेमेस्टर में। 15 इंटरनल रहने वाला है और यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हो 35 का पेपर होगा। कुल मिला के 50 मार्क्स का जो वेटेज है गाइज वो है इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट फिर है गाइज यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना ठीक है, इसमें भी कुछ बैक वगैरह लगने के कभी कभी चांसेस रहते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आगे जाके समझ में नहीं आता है, तो इसको भी रेगुलरली पढ़ना। इंटरनल मार्क्स आप देख सकते हो 15 है और यूनिवर्सिटी का पेपर 35 का होगा, तो ओवरऑल जो वेटेज है गाइस वो है 50 मार्क्स का। और फिर है गाइस यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहाँ पे एक सरप्राइजिंग सी बात है, 15 मार्क्स का ही इंटरनल है और 35 मार्क्स का ही पेपर है। अगर ये 100 का होता है तो थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकता था, बट 50 मार्क्स का ही वेटेज है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है आपके लिए ठीक है। तो ये रहेगा आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप देख सकते हो गाइस एक सब्जेक्ट जो है वो हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, पहले में बस हमें यहाँ पे देख सकते हो 5 ही देखने को मिल रहे थे और यहाँ पे हमें कुछ जो एक्स्ट्रा है वो देखने को मिल रहा है ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक ऑडिट रहेगा, इसमें आपको ऑडिट कोर्स में सारी जो चीज़ है वो सिखाई जाएगी, इसके जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स में गिने नहीं जाते हैं। फिर लैब में यहाँ पे गाइस वर्कशॉप रहेगा, वर्कशॉप में अलग अलग चीज़ें रहती है जैसे फिटिंग कटिंग वो सारी चीज़ें रहती है, प्रैक्टिकल बेसिस वाला मेनली रहता है। इंटरनल 50 और यूनिवर्सिटी 50 है, तो ओवरऑल जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल लैब्स, इसका भी आप देख सकते हो वेटेज 25-25 का है, तो ओवरऑल इस सब्जेक्ट का जो वेटेज रहेगा लैब का वो 50 ही रहेगा। फिर केमिस्ट्री लैब है, तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स के सब्जेक्ट है तो फिजिक्स का लैब देखने को मिलेगा, इसका भी जो मार्किंग स्कीम है गाइस 25-25 देखने को मिलेगा, तो फिर केमिस्ट्री लैब का जो ओवरऑल वेटेज है वो 50 मार्क्स का रहेगा। और कंप्यूटेशनल स्किल का लैब अगर हम देखते हैं तो इसका भी जो वेटेज है गाइस वो भी हमें सेम 25-25 देखने को मिल रहा है। तो आपको देख सकते हो गाइस आपको इंटरनल मार्क्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, अगर आप सारी चीज़ें सही करते हो तो इंटरनल मार्क्स अच्छे मिलेंगे, प्लस अगर आप पेपर भी सही देते हो तो काफ़ी बढ़िया जो पॉइंटर है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर सेकेंड सेमेस्टर का ओवरऑल वेटेज देखते हैं तो गाइस आप देख सकते हो 700 मार्क्स का ओवरऑल जो वेटेज है वो आपका रहेगा सेकेंड सेमेस्टर का ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का 600 का वेटेज था और सेकेंड सेमेस्टर का 700 का जो वेटेज है वो हमें देखने को मिल रहा है ठीक है। अब सिलेबस जैसे ही अपडेट होता है गाइस वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा जो सिलेबस है वो रहता है, और स्पेशली मैं कंप्यूटेशनल स्किल्स का देखूंगा कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलने वाली है ठीक है। इसके अलावा गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि कहाँ से आप डाउनलोड करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है गाइस ठीक है, ये जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे गाइस आप पूरे जो ये है सब्जेक्ट्स वो चेक कर पाओगे, प्लस अगर आपको सेकंड के अलावा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ सेमेस्टर का भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, अगर आप बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का देखते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में थोड़े बहुत जो चेंजेस है सब्जेक्ट्स में वो देखने को मिलेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी में थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे, बाकी सभी ब्रांचेस के लिए जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है ठीक है। अगर आपको केमिकल और बायोटेक्नोलॉजी का देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस ये जो फर्स्ट ईयर का पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम के ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। इसके अलावा अगर आपको नागपुर यूनिवर्सिटी का कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से चैनल को आप रेफ़र कर सकते हो, ये सब जानना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसके भी जो सारे वीडियोस है वो अपलोड कर दूंगा और बता दूंगा कि कैसे पेपर्स रहेंगे, प्लस कौन से जो चैनल्स हैं वो आपको रेफ़र करना है ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जो अपडेट्स है वो मिलते रहें।